निर्माणाधीन सुरजागढ़ स्टील प्लांट से 8 मिलियन टन और लॉर्ड्स परियोजना से 4 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया जाएगा। एक बार जब ये परियोजनाएं पूरी क्षमता से शुरू हो जाएगी तो महाराष्ट्र में स्टील उत्पादन का 30% अकेले गढ़चिरौली से उत्पादित किया जाएगा। परिणाम स्वरूप यह उद्योग और रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो रहे हैं और आपको उस आम आदमी की तस्वीर मिलेगी जो माओवाद के कारण पीछे छूट गया था और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। सुरजागढ़ इस्पात परियोजना का भूमि पूजन आज अहेरी के वडलापेट में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। वह उस समय बात कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर धर्मराव बाबा आत्राम, प्रमुख सचिव उद्योग विभाग। इस अवसर पर हर्षदेव कामले, नक्सल विरोधी मिशन के विशेष महानिरीक्षक संदीप पाटिल, कलेक्टर संजय दाइन, जिला पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, लॉर्ड्स मीटर प्रभाकरण के प्रमुख, सुरजागढ़ इस्पात कंपनी के प्रमुख सुनील जोशी मुख्य रूप से उपस्थित थे। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि गढ़चिरौली जिले में शुरू होने वाले उद्योग में 80% रोजगार स्थानीय लोगों को देने की शर्तें रखी गई है। इससे स्थानीय नागरिकों को फायदा होगा। नागरिकों को किसी भी तरह की अफवाह का शिकार न होने की बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली जिले में जल, जमीन और जंगल की गरिमा को बनाए रखने के बाद ही यहाँ उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि आदिवासियों के देवता ठाकुर देवा के पास कोई खुदाई नहीं की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि चामोशी के 35,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है और इससे 20,000 नौकरियां पैदा होगी। गढ़चिरौली जिले में एयरपोर्ट, रेलवे का काम प्रगति पर है। इसके साथ ही यहाँ एजुकेशन हब भी बनाया जा रहा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि 170 करोड़ का इनोवेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है और सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को फीस में 100% तथा लड़कों को 50% की छूट देने का निर्णय लिया है। समृद्धि राजमार्ग के माध्यम से गढ़चिरौली जिले का उद्योग मुंबई से जुड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चामोशी से काकीनाडा बंदरगाह तक माल परिवहन के लिए जलमार्ग तैयार करने के लिए एक अध्ययन समिति नियुक्त की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले आज वे राज्य के आम लोगों के विकास के लिए आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पांडुरंगा को बोरिया चढ़ा रहे हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि गढ़चिरौली जिले की हजारों करोड़ रुपए की खनिज संपदा यहाँ के आदिवासी समुदाय को आर्थिक समृद्धि प्रदान करेगी। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से जिले में आने वाले हजारों करोड़ के निवेश से लाभ उठाने की अपील की है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में हमारी सरकार बिजली बिल माफी, धान बोनस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा जैसे विभिन्न छूट योजनाओं के साथ साथ अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 5 लाख रुपए की सहायता देने की योजना लागू करी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र के विकास का केंद्र बनेगा। इस अवसर पर उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि आज का भूमि पूजन कार्यक्रम दाउस समझौते के कार्यान्वयन का एक उदाहरण है। यह 35,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गढ़चिरौली को समग्र रूप से उद्योग नगरी का नाम दिया जाएगा क्योंकि बड़ी कंपनियां यह उद्योग शुरू करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित जिला निवेश परिषद के तहत नागपुर संभाग में लगभग 5,000 करोड़ के उद्योग आएंगे और अगले 1 से 2 महीने में गढ़चिरौली जिले में 1.5 लाख करोड़ की परियोजना आएगी। डॉक्टर धर्मराव बाबा आत्राम ने कहा कि वह शिक्षा, सिंचाई और रोजगार सृजन के फोकस को पूरा करके अहेरी विधानसभा क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं। यह प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपए का है और इससे 7,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरी परियोजना 2030 तक पूरी करने की योजना है। इस मौके पर कंपनी में नियुक्त 16 सुरक्षा गार्डों को उपस्थित गणमान्य लोगों द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा स्टील प्लांट की ओर से छात्रों को एक एम्बुलेंस और स्कूली किताबें भी वितरित की गई। कार्यक्रम में उद्योग जगत के गणमान्य व्यक्ति, संबंधित अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। या स्टील प्रकल्पाचं इंटिग्रेटेड स्टील प्रकल्पाचं भूमिपूजन आम्ही केलेलं आहे। जवळपास 10,000 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट या ठिकाणी होते आहे आणि ज्यावेळेस हा पूर्ण होईल त्यावेळेस या ठिकाणी 8 मिलियन टन एवढं प्रोडक्शन या प्रकल्पातनं होईल। यापूर्वी लॉयड्सचं या ठिकाणी जे काही काम झालेलं आहे त्यातनं 4 मिलियन टन एवढं त्या ठिकाणी प्रोडक्शन होणार आहे। एकूण 12 मिलियन टनचं प्रोडक्शन जर आपण बघितलं तर हळूहळू इथे जी काही सगळी इन्व्हेस्टमेंट येते आहे त्याचा आपण एकत्रित विचार केला महाराष्ट्रात 30% स्टील, फिनिश स्टील हे गडचिरोलीत तयार होईल अशा प्रकारचं इन्व्हेस्टमेंट आता या ठिकाणी आलेलं आहे। चामोर्शीला देखील
आपण एक मोठं इन्व्हेस्टमेंट या संदर्भात लवकर सुरू होत आहे. जवळपास 20,000 लोकांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळेल. 35,000 कोटी रुपयाचं इन्व्हेस्टमेंट होत आहे. लॉयडचं एक्सपान्शन या ठिकाणी होत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गडचिरोली जिल्हा बदलतो आहे. आम्ही जी घोषणा केली होती की गडचिरोली जिल्हा हा राज्याचा शेवटचा जिल्हा नसेल तर तो राज्यातला पहिला जिल्हा असेल. राज्याची सुरुवात तिथनं होते हे लोकांना आम्हाला दाखवून द्यायचं आहे आणि ते काम या ठिकाणी होत आहे. मी विशेषत्वाने या ठिकाणी आमच्या राजांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करेन की ते मंत्री तर आहेतच पण त्यांनी या भागामधले ते राजे आहेत. त्यांनी आपली जमीन या प्रकल्पाकरता त्या ठिकाणी देऊ केली आणि त्यामुळे लवकर जमीन मिळाल्यामुळे प्रकल्पाचं भूमिपूजन हे या ठिकाणी झालेलं आहे आणि म्हणून त्यांचं देखील मी अभिनंदन. कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोडके साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट.